الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما मुख्तरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दीनी भाइयों, क़ुरान करीम अल्लाह तबारक व ताला का अता करदा एक अज़ीम तोहफ़ा है, जो रुश्द हिदायत का और रहनुमाइयों का गंजीना और ख़ज़ाना है। क़ुरान करीम की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा, इससे कुरान करीम शुरू होता है। सबसे पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका तर्जमा है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व ताला के लिए है जो आलमीन का रब है, परवरदिगार है, पालने वाला है। और रहमान रहीम, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, वो यौम जज़ा का, बदले के दिन का मालिक है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व ताला के लिए हैं। ये गोया कि अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह फातिहा का मज़मून और सूरह फातिहा का असल मकसद अल्लाह तबारक व ताला ने इस जुमले के अंदर बयान फरमाया है। तमाम तारीफ़ अल्लाह तबारक व ताला के लिए है, क्यों? रब्बुल आलमीन इसलिए कि वो तमाम जहानों का परवरदिगार है, पालने वाला है। हम्द कहते हैं अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ को, और लिल्लाही अल्लाह तबारक व ताला के लिए है। हम्द किसकी की जाती है? हम्द उसकी की जाती है जिसने कोई काम अच्छा किया हो, बेहतरीन किया हो। दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो कोई भी चीज़, जिस चीज़ पर भी हमारी नज़र पड़ती है, हर नज़र आने वाली चीज़ खूबसूरत है, बेहतरीन है, खुशनुमा दिखाई देती है, तो फौरन उसकी तारीफ़ जहन में आती है। दरअसल ये तारीफ़ उसकी नहीं होती बल्कि उसके बनाने वाले की तारीफ़ होती है। इसलिए दुनिया में जब भी हम किसी चीज़ की तारीफ़ करें, किसी भी चीज़ की तारीफ़ करें, तो दरअसल अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ होती है। इसलिए कि जैसे दुनिया का कायदा है कि किसी बनी हुई चीज़ की तारीफ़ कोई माना नहीं रखती, बल्कि तारीफ़ उसकी होती है जो उसको बनाने वाला है, फौरन जहन उसी की तरफ मुंतकिल होता है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात को बनाया है, इसको सजाया है, तो जब भी किसी चीज़ की तारीफ़ की जाएगी तो अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ की जाएगी। इसलिए कि बिलवास्ता वो तमाम के तमाम उमूर और तमाम की तमाम चीज़ें वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ मनसूब होती हैं। रब्बुल आलमीन, ये गोया कि इसकी दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह में जो दावा किया गया है कि तमाम तारीफ़ें, किसी भी किस्म की तारीफ़ हो, कोई भी तारीफ़ की जाए, वो तमाम की तमाम तारीफ़ें वो अल्लाह तबारक व ताला के लिए है। ये गोया अल्लाह तबारक व ताला ने दावा किया है, और इसकी दलील है रब्बिल आलमीन के अल्लाह तबारक व ताला रब है, तमाम जहानों का रब उसे कहते हैं कि जो किसी भी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता तकमील तक पहुँचाए, मरहला ब मरहला अच्छी तरह उसकी परवरिश व परदाख्त करके, उसकी तरबियत करके, उसको कमाल तक पहुँचाए। आलमीन या आलम की जमा है, आलम कहते हैं जहान को। अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत सारे जहान बनाए हैं। आलम इंसान है, इंसानों का जहान अलग है, जिन्नात का जहान अलग है, चरिंदों का जहान अलग है, दरिंदों का जहान अलग है, ऐसे ही कीड़े मकोड़ों का जहान अलग है। ये तो वो चीज़ें हैं जो नज़र आती है। इसके अलावा समंदरों का जहाँ
जहान अलग है अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की वो समंदरों के अंदर रहती है। तो जितने भी जहान हैं उन तमाम जहानों के अंदर जो जो एक एक चीज़ एक एक जीव एक एक जानदार रहता है उन तमाम का परवरदिगार उन तमाम का पालनहार उन तमाम का रोज़ी रसा उन तमाम को रोज़ी और रिज़्क पहुँचाने वाला वो मेरा और आपका रब परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला है। अर रहमान अर रहीम अल्लाह तबारक व तआला रहमान है और रहीम है। इसका ज़ाहरी तर्जमा उर्दू के अंदर ये कर दिया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला मेहरबान है और रहम करने वाला है, लेकिन अगर अरबी ज़बान की वसअत को और इसकी गहराई को देखा जाए तो रहमान और रहीम के सिफत जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए ज़िक्र की गई हैं बहुत वसी मफहूम रखती हैं। रहमान उसे कहते हैं लुगवी और अरबी के अतबार से जिसकी रहमत बहुत ज़्यादा वसी हो बहुत ज़्यादा फैली हुई हो, और रहीम उसको कहते हैं कि जिसकी रहमत मुकम्मल हो पूरी हो। तो अल्लाह तबारक व तआला की जो ये सिफतें बयान की गई हैं रब्बिल आलमीन और अर रहमान और अर रहीम, तो रहमान का ताल्लुक जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत के दुनिया के साथ है कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रहमत दुनिया के अंदर एक एक इंसान को पहुँचती है और एक एक मखलूक को पहुँचती है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बड़ी वसी है बड़ा वसी मफहूम रखती है। खा कोई अल्लाह तबारक व तआला का फरमा बरदार हो या कोई अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो, कोई अल्लाह तबारक व तआला को गालियां देने वाला भी हो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इतनी वसी है कि दुनिया के अंदर उस तक भी पहुँचे। अब दुनिया में जाएंगे देखेंगे मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के अंदर कैसे कैसे लोग रहते हैं, लिबरल मुल्हिद जो अल्लाह और रसूल को गालियां देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला उनका भी रोज़ी रसा है उन तक भी अपनी रोज़ी और रिज़्क पहुंचा रहा है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रहमत का ताल्लुक अहले दुनिया के साथ है दुनिया वालों के साथ है। और अर्रहीम उसे कहते हैं कि जिसकी रहमत मुकम्मल हो उसकी रहमत मुकम्मल हो। इस सिफत रहीम का ताल्लुक जो है वो आखरत के साथ है, अल्लाह तबारक व तआला की इस सिफत रहमत का इजहार जो है वो बंदों के साथ वो आखरत के अंदर होगा। दुनिया के अंदर तो हर फरमाबरदार और नाफरमानों तक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पहुंच रही है, लेकिन वहाँ सिर्फ फरमाबरदारों को मिलेगी और इतनी मिलेगी पूरी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला उन गुनहगार बंदों को जो अल्लाह तबारक व तआला को जानने वाले थे अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले थे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले थे अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार बंदे थे, लेकिन उनसे कुछ गुनाह भी हो गए थे लेकिन उन्होंने गुनाह से तौबा कर ली थी इस्तिगफार कर लिए थे। अहादीस में आप हजरात सुनते रहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ हजरात का मामला ऐसे फरमाएंगे कि उनको एक पर्दे के अंदर बुलाएंगे अल्लाह तबारक व तआला और उनको याद दिलाएंगे कि तुमने ये भी गुनाह किया था तुमने ये भी गुनाह किया था तुमने ये भी गुनाह किया था, उसके एक एक गुनाह को याद दिलाया जाएगा और जब वो बंदा समझेगा कि अब तो मेरी हलाकत का वक्त करीब है अब तो जहन्नम का फैसला होने वाला है उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत का इजहार फरमाएंगे और उसको माफ़ फरमा देंगे। यह है अल्लाह तबारक व तआला की सिफत रहमत रहीम जो आखरत में अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास मोमिन बंदों के साथ ख़ास है जो अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले हैं। यहाँ देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तीन सिफतें बयान फरमाई हैं रब्बुल आलमीन अर रहमान और अर रहीम, ये तीनों सिफत अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की है अल्लाह तबारक व तआला के गुस्से की और कहर व गज़ब की नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहम करना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर फजल फरमाना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, के मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है जिन्होंने गुनाह कर के अपने आप को गुनाहों के समंदर में गरकाब कर लिया है, ऐ मेरे ओ बंदो या इबादियल्लज़ीन असरफू ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, तुम एक मरतबा तो मेरे दर पर आ जाओ एक मरतबा तो मेरे सामने सजदरेज हो जाओ मेरे सामने माथा टेक दो एक मरतबा तो कह दो कि या अल्लाह मैंने जितने भी गुनाह किए हैं मैं उन सब से मगफिरत तलब करता हूँ मैं उन सब से तौबा करता हूँ।
एक मरतबा तो पढ़ लो, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह, कि अल्लाह मैं अपने तमाम गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करता हूँ और तेरी ही तरफ मुतवज्जह होता हूँ, तेरी ही तरफ तौबा करता हूँ। यह अल्लाह तबारक व तआला की अपने बंदों पर अज़ीम रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा, जो कुरान करीम की इब्तिदाई सूरत है, इस सूरत के अंदर जिन अपनी सिफात का इजहार फरमाया है, जिन अपनी सिफात का जिक्र फरमाया है, वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर दलालत करने वाली है। आगे फरमाया मालिक यौमिद्दीन, वो परवरदिगार आलम व अल्लाह तबारक व तआला यौम जज़ा का मालिक है। मालिक तो आप जानते हैं किसे कहते हैं, मालिक, मालिक उसे कहते हैं जो किसी चीज़ का मालिक हो, जिसकी मिल्कियत में कोई चीज़ हो, उसके अंदर मुकम्मल तौर पर पूरा तसर्रुफ का हक रखता हो। अगर मेरी मिल्कियत में कोई चीज़ है, मेरे पास मिसाल के तौर पर एक कलम है, एक पेन है, तो मैं अपने उस पेन के अंदर, चूँकि वो मेरी मिल्कियत में है, वो मेरा है, मैं उसके एक एक पुर्जे का मालिक हूँ, इसलिए मैं उसको तोड़ भी सकता हूँ, किसी अच्छे काम में इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, किसी को हिबा और हदिया भी दे सकता हूँ। ऐसे ही मालिक उसे कहते हैं कि जिसकी मिल्कियत के अंदर कोई चीज़ हो, तो वो अपनी उस मिल्कियत के अंदर पूरा मुकम्मल तौर पर तसर्रुफ करने का हक रखता हो। यौमिद्दीन, यौम कहते हैं दिन को, और दीन कहते हैं जज़ा को और बदले को। अल्लाह तबारक व ताला बदले के दिन का मालिक है। हमारे सामने एक अजीम दिन आने वाला है, जिस दिन के अंदर हमने इस दुनिया में किए हुए अपने एक एक किए का हिसाब देना है, अपने परवरदिगार आलम के सामने खड़ा होना है। उस दिन को यौम जज़ा कहते हैं कि जिसने नेक अमाल किए, अल्लाह तबारक व ताला को माना और अल्लाह तबारक व ताला की मानी, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला उससे राज़ी हो जाएंगे, और अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा का मज़हर, अल्लाह तबारक व ताला के राज़ी होने के इजहार की जो जगह है वो जन्नत है। अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए जन्नत का फैसला फरमाएंगे, और जिन पर अल्लाह तबारक व ताला का गज़ब नाजिल होगा, जिन पर अल्लाह तबारक व ताला का कहर और गुस्सा बरसेगा, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारी होगी, तो अल्लाह तबारक व ताला उनसे नाराज़ होंगे, और अल्लाह तबारक व ताला की नाराज़गी का मज़हर वो जहन्नम है, यहाँ तरह तरह की अज़ियतों और मुसीबतों में लोग मुब्तला होंगे। तो मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह तबारक व ताला यौम जज़ा का, बदले के दिन का मालिक है, उसके अंदर मुकम्मल तसर्रुफ का हक रखता है, वो जिसे चाहे माफ़ कर दे और जिसे चाहे अल्लाह तबारक व ताला पकड़ फरमा दे। अल्लाह तबारक व ताला यौम जज़ा का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। ये गोया के अल्लाह तबारक व ताला ने इन तीन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों के इस्लाम के तीन बुनियादी अकायद का बयान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत का इकरार, अल्लाह तबारक व ताला एक है, उसी के सामने सजदरेज होना है, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के अंदर, उसकी सिफात के अंदर किसी को शरीक और साझेदार नहीं करना, वही रोज़ी देने वाला है, वही औलाद देने वाला है, वही हम सब को पालने वाला है, वही हम सब को पैदा करने वाला है, हम सब की तख्लीक करने वाला है, वही अल्लाह तबारक व ताला हम सब को मुकम्मल तौर पर रिज्क देने वाला है, और वही हम सब को आखिरत की तरफ लौटाने वाला है। इन तमाम चीज़ों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला की किसी भी सिफत के अंदर किसी दूसरी ज़ात को, किसी दूसरे शख्स को शरीक नहीं किया जा सकता। आज तरह तरह की बिदातें और खुराफातें और अकायद के अंदर तजलजुल बरपा हो गया, हमारे अकायद ख़राब हो रहे हैं, इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे इन इलाकों में से, जिनमें हमारे अकाबिर उलमा इकराम ने इतनी जद्दोजहद की, इतनी मेहनत की बिदात और खुराफात को ख़त्म करने के लिए, इन इलाकों के अंदर आज भी ऐसे ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं कि अगर किसी को औलाद नहीं हो रही, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, तो वो अपनी मुरादें लेकर मज़ारों पर जाते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व ताला की सिफत के अंदर शिर्क है, और अल्लाह तबारक व ताला अपनी ज़ात के अंदर और अपनी सिफात के अंदर शिर्क को कभी माफ़ नहीं फरमाते, शिर्क को कभी बर्दाश्त नहीं करते।
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی مزاروں پر جا کر اپنی مرادیں مانگتا ہے اور اپنی تمنائیں مانگتا ہے اور وہاں سے اولاد مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے اندر ایک دوسرے کو، ایک مردہ شخص کو شریک کر رہا ہے، جو کہ انتہائی ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس شخص کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کے اندر کسی کو شریک ٹھہرائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کے علاوہ جس کو چاہیں معاف فرما دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار ہوگا۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں العبادۃ المخلصۃ للہ وحدہ، کہ عبادت جو ہے ہر طرح کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا۔ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کے نظام کو چلایا، اس دنیا کے نظام کو بنایا اور اس کے اندر انسانیت کو بھیجا، تو یقینی بات ہے کہ انسانوں کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ بدلاؤ ہوتا رہتا ہے، ان کے عقائد کے اندر، ان کے اعمال کے اندر بگاڑ آتا رہتا ہے۔ تو یقیناً اگر وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہوں تو سیدھے راستے سے وہ غلط راستے پر بھی بھٹک سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر چلانے کے لیے ان کی رہنمائی کے طور پر کسی رسول کو اور کسی نبی کو مبعوث فرمائے۔ یہ الرحمن الرحیم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحیم ہونے کا تقاضا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کے اندر لوگوں کو بھیج کر ان کو بے دست و پا اور بغیر کسی قسم کے لگام کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے رسالت کو، رسولوں کو اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ان کی رہنمائی کے لیے۔ تو اس سے دوسرا عقیدہ رسالت کا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کے سلسلے کو شروع فرمایا۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں ثابت ہوا ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ جو پالنے والا ہے، جو روزی رسا ہے، جو روزی پہنچانے والا ہے، وہی عبادت کے بھی لائق ہے۔ لہٰذا اس کی ذات کے اندر اور اس کی صفات کے اندر کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور الرحمن الرحیم سے ہمارا دوسرا عقیدہ رسالت کا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے رسول بھیجے، جن میں سب سے ابتدائی اور سب سے پہلے ہمارے سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مالک یوم الدین، اس سے ایک تیسرا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک یوم جزا، ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں کھرا اور کھوٹے کو جدا کر دیا جائے گا، ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں انصاف کا ترازو قائم ہوگا، ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس میں غلط کام کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا اور اچھا اور بھلا کام کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس دن کا آنا یہ گویا کہ آخرت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آخرت میں ایک روز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو لہٰذا الرحمن الرحیم سے مالک یوم الدین سے آخرت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ان تین آیتوں کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ عبادت جو ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، اور اس کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور الرحمن الرحیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسالت پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور بندوں کے درمیان تعلق کے لیے، بات چیت کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کے سلسلوں کو ثابت فرمایا ہے۔ اور مالک یوم الدین کا یہ تقاضا اور یہ عقیدہ ہے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آخرت میں حاضر ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے نیک اور بد کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تینوں عقائد پر
پختہ طور پر جمنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی روشنی میں اور اس کی ہدایت میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔